बीपीएससी ट्रिक एग्जाम संपन्न होने के बाद बीएड वाले छात्रों के मन में बड़ी दुविधा थी कि क्या हम नौकरी ले पाएंगे या नहीं, क्या हमारा भी मेरिट बनेगा डीएलएड वालों के साथ। लेकिन आज आयोग के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही लेकर चलेंगे। तो एक टाइप से देखा जाए कि वो इनडायरेक्टली सर यही कहना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसे मानेंगे। तो अगर इसे एक नज़रिए से देखें तो ऐसा मानकर चलना पड़ रहा है, वह सभी ऐसा मान रहे हैं कि बीएड वाले अब जो भी हैं 1 to 5 से बाहर हो जाएंगे। और बीएड वालों के 1 to 5 से बाहर होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट पर, क्या प्रभाव पड़ेगा कटअप पर, यही जानेंगे अभी नवीन सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि सर क्या लगता है कि अगर बाहर हो जाते हैं बीएड वाले, या फिर क्या लगता है सर कि पहले बाहर हो ही जाएंगे अब। नहीं, जिस तरीके से तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दी थी, तो उस समय भी लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना तो मुश्किल था ही। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार एक भरोसा दिलाई थी और बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा भी बोला गया था कि आप लोग एग्जाम में शामिल होइए, आगे चल करके कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन कल जिस तरीके से स्टेटमेंट 3 सदस्यों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फिर से इसी डिसीजन को कंटिन्यू किया, और जिस तरीके से आज चेयरमैन सर का भी आप इंटरव्यू देखे होंगे, इनडायरेक्ट रूप से वो अपनी बातों को रखे, तो अब लग रहा है कि निगेटिव ही आप पूरी तरीके से मान करके इसको चल सकते हैं। क्योंकि अब केंद्र सरकार ही कोई अध्यादेश ला करके कुछ करे तो करे, जो कि संभावनाएं अभी इस परिस्थिति में कम दिखती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में इससे 12 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, 5 लाख बिहार में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में। तो फिर भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 2 बार डिसीजन इस मोड में एक ही डिसीजन आया है, तो हमको तो लगता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी को दिक्कत इसमें कंटिन्यू रहेगी, दिक्कत ही रहेगी, इसी तरह का आप मान करके चल सकते हैं। आज के इंटरव्यू के अनुसार सर अगर देखें तो जो कहा है श्री अतुल प्रसाद सर ने कि हम बीएड का जो भी फैसला है बीएड वाले छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम अडिग रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और हमको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लगातार अभी इस पर, और जो भी स्टूडेंट बार बार इसी चीज़ को देखते हैं तो और ज़्यादा उनको परेशानी फील होता है। जी क्योंकि पहले से ही वो स्टूडेंट अपने माइंड को मेकअप कर लिए थे, कि माइंड मेकअप ही किए थे तभी लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में अब्सेंट रहे, कहीं ना कहीं उनका पहले से माइंड मेकअप रहा जी होगा, और वही चीज़ अब आगे हो भी रहा है। तो अब तो उन अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत भी रहा है ना, कि अब यूपी के अभ्यर्थी थे, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी, दूसरी जगह जाके 2 दिन ठहर करके एग्जाम दिए, अब जा करके इस तरह की फैसला लग रहा है कि 100% ये कंटिन्यू ही हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि और ज़्यादा अब इन लोगों को ग्लानि फील होगा। क्योंकि हम लोग पहले से भी बोल रहे थे कि आयोग को, बिहार सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि अगर आप एग्जाम में हम आपको शामिल कर रहे हैं तो आपके साथ 100% कुछ ना कुछ सही ही निष्कर्ष निकलेगा। जी लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन सर बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ रहेंगे, तो इनडायरेक्ट रूप से एक तरीके से वो अपनी बात को रख ही दिए हैं। जी बिल्कुल तो सर, अब एक तरह से देखें तो बीएड वाले लगभग बाहर हो चुके हैं, इसके बाद सर क्या कट ऑफ रह सकता है डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि उसकी संख्या भी कम हो जाती है और फिर वहाँ पर कंपटीशन कम होगा। तो सर इसके बाद सर बीएड वाले को अगर इग्नोर कर दिया जाए कि बीएड वाले अब एक टाइप से नहीं जा पाएंगे, अब मेरिट में उसका नाम नहीं आएगा, तो क्या सर कट ऑफ रह सकता है? हमको तो लगता है कि जिस तरह के प्रश्न पत्र पूछा गया था, 50% स्टूडेंट तो स्वाभाविक है कि डिस्क्वालीफाई किए होंगे इस तरह के प्रश्न पत्र में। और इसके बाद अगर बीएड वाले अभ्यर्थी का निगेटिव डिसीजन रहता है, तो डीएलएड वाले का तो जो मिनिमम कट ऑफ है मेल कैंडिडेट में 2-4-5 नंबर भी ज़्यादा रहेगा, तो हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। और जी फीमेल तो जितना क्वालिफाई कर जाएंगी, हो सकता है कि कट ऑफ डाउन ही करना पड़े, स्थिति यहाँ फीमेल के तक लिए सर बढ़ कट ऑफ डाउन भी डाउन करना में, चूंकि पड़ेगा। 32% अभी है, 38 नंबर मे भी, कि जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है अगर इतना में पूरा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जिस तरह से चेयरमैन सर भी आशंका जाहिर किए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कट ऑफ डाउन कर सकते हैं, तो बहुत दिक्कत सर नहीं आपको होने लग रहा है कि देगा। गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो सकता है? हो सकता है अगर एकाध परसेंट कट ऑफ डाउन भी करना पड़ सकता है, ये देखा जाएगा, क्योंकि 40,000 सीट लगभग गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है,
और 50% डिस्क्वालीफाई किए होंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों के साथ परेशानी निश्चित रूप से, जब रिजल्ट आएगी 60% वहाँ भी दिक्कत रहेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो परिस्थिति बहुत सामान्य नहीं है, क्योंकि उसमें बीएड वाले जैसे ही बाहर हो जाएंगे इनकी संख्या तो स्वतः इतनी कम हो जाएगी कि कट ऑफ एकदम मिनिमम पे चला जाएगा। सर बॉयज के लिए क्या रहने वाला है जनरल? उसके लिए भी 3-4 नंबर ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड वाले के लिए मतलब बहुत नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। डीएलएड वालों की अब चांदी होने वाली है सर, वो तो शुरू से ही अनुमानित था ये चीज जी। और सर जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9th, 10th और 11th, 12th में कह दिया गया है, उसके लिए सर क्या हो सकता है? जैसे 4 तारीख से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दे दिया गया है, तो ये तो इसलिए किया जा रहा है कि जो टारगेट तय की है चेयरमैन सर कि हम इतने तारीख को लगभग रिजल्ट दे सकते हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करवा लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होना है, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब बहुत जल्द वो रिजल्ट देने वाले, निश्चित रूप से इस महीने के लास्ट तक सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर इतना इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ नवीन सर थे जिन्होंने बताया कि बीएड वाले अगर बाहर होते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है, मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ रहने की संभावना है। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में। चाहिए